मैं डॉक्टर वसंत सरकटे, नमस्कार, रिटायर्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट, क्वालिफिकेशन एमडी एनेस्थीशिया। अभी थोड़ा जी कैंसर अस्पताल में रिटायरमेंट के बाद जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, डेली रूटीन अपना, खास तकलीफ नहीं है। अच्छा, आपको पेंसिल थेरेपी करने के बाद कैसा लगा? इन टोटल सेंस आपको कोई दर्द तो नहीं था शरीर में? नहीं, दर्द तो नहीं था। तो आपको लगा क्या था, क्या फीलिंग आई आपको? थोड़ा फ्रेश लग रहा है, हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है, वो फीलिंग है। ठीक है, तो हम भी यही बताते हैं, जिनके शरीर में दर्द है उनके दर्द में कमी आती है, जिसको कोई दर्द नहीं है उसको एनर्जेटिक या फ्रेश लगता है। सो यू आर कंफर्मिंग दैट? सही बात है। तो हमने ये काम करना चाहिए, करना चाहिए, आप इसमें हमारा साथ देंगे? बिल्कुल। चलो धन्यवाद, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू। आइए, अभी डॉक्टर मिसेस सरकटे, आप भी डॉक्टर हैं क्या? नहीं। अच्छा, चलिए, उस जमाने में रूल रिलैक्स थे, डॉक्टर को डॉक्टर पत्नी चाहिए। अभी आपको इनका साथ देना है। अच्छा, इन्होंने तो लाइफ लॉन्ग साथ दिया है, वैसे एक दूसरे को साथ देते हैं, लेकिन अभी इनको ज्यादा जरूरत है आपके साथ की। तो दीदी अक्का, మీరు అక్కడ కూర్చోండి, డాక్టర్ సార్ ఇక్కడ थोड़ा इसको पोजीशन हम कर लेते हैं ठीक से, आपको वहाँ बैठना है। अच्छा। थोड़ा डॉक्टर साहब देखने, हाँ, थोड़ा पोजीशन कर लेता हूँ। अभी आप बैठिए वहाँ कॉर्नर पे। अच्छा। आप बाजू में बैठिए, उनके पैर इधर करिए। अभी हम बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन करने वाले हैं। हाँ। हाथ इधर रखिए, आप पैर इधर लीजिए। तो आपको मालूम है बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करने में क्या होता है? बहुत दर्द होता है। यहाँ पकड़ लीजिए इसको, दोनों पैर ऊपर कर लीजिए, ये हाथ उनके हाथ में दीजिए। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाइए और आप, यस, हाँ, इसको, हाँ, पैर सीधे नहीं हो रहे, थोड़ा सा और पीछे, नहीं जितना हो रहा है उतना हो गया है ना? हाँ, ठीक है, इसको पकड़ लीजिए, हाथ हाथ में दे दीजिए, ठीक है। चलिए, अभी आपका घुटने का जो दर्द है उसमें हम रिलीफ दे देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्रक्रिया में दर्द होगा इसलिए पकड़ना जरूरी है, और दर्द या तकलीफ में अपनों का साथ होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर साहब को बाजू में बैठा दिया। वो गाना है ना, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। देखिए, ये दर्द ज्यादा है ना पहले जो दिया उससे, और आप क्या है, बहुत नाजुक है। डॉक्टर साहब भी बोलते होंगे कभी कभी, इतनी नाजुक ना बनो, इतनी नाजुक ना बनो। अभी बैठे बैठे पैर को अपनी तरफ लीजिए, नहीं नहीं हाथ के सहारे से नहीं, अपने आप जितना होएगा होएगा। हाँ हाँ, क्या लग रहा है, चेंज आ रहा है? देखिए, हाथ मत दीजिए उसको, किसी को भी हम सहारा देते हैं ना तो उसको कमजोर बनाते हैं। लाइए, ठीक लग रहा कुछ? दर्शक मन क्या बोलते हैं? तो बस आपको ये हल्के हल्के घुमाना है और दो चार दिन में आप बिल्कुल दौड़ने लायक हो जाएंगे। आज इसलिए हम नहीं बना रहे हैं कि आज उनके जैसे भारी है उनको बना सकते हैं। पिछली बार लेकिन उन्होंने बैठे नहीं, मैंने बोला बैठ जाओ, बाद में बैठी आपने? नहीं, उनके दिमाग में बात घर करेगी, जो बैठेंगी तो उठ नहीं पाएंगी, एक क्रेन बुलाएंगे एक दिन। अभी उसको मैं बोल रही हूँ दोनों पैर से चल, तो एक पैर पे प्रेशर आएगा तो, है ना? थोड़ा क्या उनका वजन का उनकी प्रॉब्लम के कारण है, तो उनको अभी सलाह से ज्यादा प्यार की जरूरत है। नहीं है, वो इंटरनली बहुत स्ट्रांग है। अभी देखिए, आपको एक और चीज मैं देता हूँ जो अभी किसी को नहीं दिया हूँ, क्या है, आपकी जनरल बॉडी में वीकनेस बहुत है,
ऐसा मुझे लगता है। ये देखिए याद आ रहा है ना, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये लेडीज के पॉइंट रहते हैं, इसमें थायराइड हार्मोन्स मेंसेस ये जितने भी इससे रिलेटेड है ये सब में फायदा होता है। तो इनकी वीक स्टेट का जो कारण है ना, ये इन्होंने लाइफ में सफर बहुत किया है फिजिकली यानी हेल्थ वाइज, क्योंकि इनमें भी हीमोग्लोबिन की भी काफी कमी लगती है मुझे, है क्या ऐसा? हाँ, कम है क्योंकि वो अपनी उम्र से बड़ी हो गई है पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी जो समस्या है पूरी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब तक समय नहीं आता है तो सफरिंग चालू रहती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं इतनी जब बातें कर रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आपका समय नहीं आया है तो आप मेरे पास पहुंच ही नहीं पाते। हाँ। अभी आप चल के देखिए, आराम से कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। कितने समय बाद आपने बोला ये ठीक लग रहा है? कितने समय बाद ठीक नहीं लगता है ना, नॉर्मली ठीक नहीं लगता है। हाँ। तो ठीक लगा बोल के जमाना जीत गया। हाँ। है ना, जैसे बोलते हैं ना, आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, मतलब क्या है कि जो आपकी वेल बीइंग है बॉडी की वो आपसे बिछड़ चुकी है, हम उसको मिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इसको अपने को यहाँ करना है थोड़ा सा, यहाँ हो रहा है अंदर, ये अभी आपको बहुत आराम हो जाएगा। आपको मैं काफी धीरे कर रहा हूँ क्योंकि आपकी उंगलियां अलाउ ही नहीं करती है, क्योंकि मेरे हाथ अपने आप सामने उंगलियां देखते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। ये और पानी का फायदा हो गया। अब ये झोला रखना पड़ेगा बाहर, अभी कुठारी जी आए जब भी मैंने बोला उसमें सारे मोबाइल डाल देने पड़े, अब आप ऑफ कर लीजिए। जिसने किया वो दोबारा करेगा, ग्रीन बटन दाबून ठेवा एक सर, जिसने किया वो दोबारा करेगा, क्योंकि वो जिद्दी मेल की तरह पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी फिर चल के देखो, मैंने बोला ना वो करेगा वापस, जो भी है ऐसे ही इकड़ से बटन दाबून, उनको मालूम नहीं रहता ना आप कहाँ बैठे हैं। तो अपना काम है कि सबसे पहले मोबाइल को बंद करो, आप किसी के भी जाओ, क्योंकि आप उनका समय ले रहे हो तो उनका समय खराब करने का आपको कोई हक नहीं है। आने के लिए ये बंद रहा ना, तन्ना दे अंकल ला दे, कैसा लगा? अच्छा लगा। बैठ, अभी आपको अच्छा ही लगेगा, अभी आपको खराब लगेगा ही, अभी आपको फिर से नई जिंदगी जो मिल रही है, तो आपको अपने जैसे दुखियों का दर्द दूर करना है, क्या समझे ना, क्योंकि जो खुद का ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता वो दूसरे का क्या करेगा। ये जो आपके आंखों के नीचे गड्ढे वगैरह जब सो आ गए ना, वो सब निकल जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश। अभी आप लोगों ने प्रक्रिया देख ली ना, बाकी लोग एक दूसरे को छोड़ेंगे जब तक मैं इनको धीरे धीरे देता हूँ, है ना, मैं अभी सबको सिखा देता हूँ। आपको आता है, आपको आता है ना, आप दोनों करिए ना, आप दोनों करिए, ऐसा करिए आप इधर आ जाइए, या डॉक्टर आप इधर आ जाइए और आप इनको करिए और आप दोनों की पेयरिंग कर लीजिए, ये चेयर को थोड़ा अंदर कर लीजिए, आप इधर आ जाइए मेरे पास, क्योंकि अभी क्या है, अभी तमाशा देखने का समय खत्म हो गया है ना, छोटी पेंसिल बड़ी पेंसिल जो भी लेके सामने पड़ी है पेंसिल है वहां पे, है ना, तो सबका फायदा होते जाएगा। हाँ, यहाँ भी पेंसिल है, वहाँ पेंसिल, आप इधर आ जाइए,
सोलंकी सर, जितना आपका बन सकता है करिए, आपको समझ में तो आ ही गया। हाँ। मैंने सबकी उंगलियों पे पेंसिल घुमाया है तो कैसे होता है तो मालूम ही है। हाँ। आप डॉक्टर साहब इधर आ जाइए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऐसे कोई भी उंगली पे करिए, दोनों हाथ पे जैसे आपको समझ रहा है वैसे करिए, सिर्फ अंगूठे से करना है, दूसरा कोई बस नहीं। आप इनसे करवा के दीजिए अपनी उंगली। अच्छा अभी पहले से तक नहीं आ रहा है, ये हाथ से पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो ऐसा, ये अंगूठा ऐसा रखो, कैसे कर रहे हैं ये पेंसिल, हां करो करो ऐसे ऐसे, अंगूठा ऊपर रखो ऐसे, अंगूठे दूसरा ऐसे इधर, अरे के उंगली अंगूठा रखो उसके ऊपर पेंसिल के ऊपर, अच्छा ऐसे हो गया, यहां तक नाखून पे, मतलब आपको क्या समझाना पड़ेगा, आप बहुत समझे हुए लोग, अंगूठा सीख ले ले संवार ले ले इधर से उठ, प्रेशर के साथ रोल करना है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा नहीं, इसको ये कमर में दर्द है आपके, कमर में इसको ठीक धीरे धीरे ठीक कर लेंगे, अपने साइड लो खाली, अपोजिट साइड लो, चेहरे में दिखता है, ये ऐसे करना है, पीछे नहीं दिखता नहीं तो आप क्या है रिवर्स में गाड़ी दूसरे काम थोड़ी जाओगे लेके, बस हाँ ठीक, आपको थोड़ा भी कुछ खराब लगा तो बना पहले टाइम दो ही टाइम करना है ना, ज्यादा नहीं करना है ना, दो बार एक ही बार करो उंगली के आठ साइड में आपको बता देता हूँ, देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये ईशान है, नैऋत्य है, वायु अग्नि, दो उंगली पे आठों साइड करो, अच्छा ऐसे प्रैक्टिस करो, करिए आप, मेरे हाँ तो पड़ोसन से या तो दोस्ती अच्छी हो जाएगी या जाने दुश्मन बन जाएंगे, है ना, दोनों हाल में अच्छा है ना, मेरे हाथ से इतना दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द है। हाँ। और फिर क्या हो गया? दुश्मन भी है, दोस्त भी है, तो क्या बोलेंगे? दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है, तूने देखा मैंने देखा, तूने देखा मैंने देखा, इसने देखा उसने देखा सबने देखा, क्या देखा, दर्द को भूल जाओ, या तो अपना माया भूल जाओ, चार साइड और चार एंगल, या आप समझ लो कि आठ एंगल है 45 डिग्री के, बस In any case, you have to roll on 8 sides of the finger. थोड़ा चल के देखिए। अभी आप आई थी छड़ी लेके, है ना? अभी डॉक्टर साहब लेके जाएंगे छड़ी हाथ में। आप बिल्कुल हाथ हिलाते हुए जाएंगे। उन्होंने नहीं लाए। छड़ी लाए। आप भी लाएंगे। चलो ये बोले अमानत में खयानत हो रही है। छड़ी मेरी और दूसरों को दे रहे हैं। वाले यहाँ बोटा है दूसरे इतना दुखता है। और इतना दुखता है। ऐसा नहीं है। हाँ बैठ लो। ये तीन को बैठ। ये बैठे। कैसा लग रहा? ऐसा। ये आप बैठे। थोड़ा। ये साइड में थोड़ा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। बाकी घुटने में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये जो है ना ये अंगूठा ऐसा ये ऐसे
देखिए डॉक्टर साहब ये इनको कैसे करना और कहाँ करना है, उनके हाथ की उंगलियां बड़ी नाजुक है, बिल्कुल संभाल के करना है। थोड़ा समय आप करेंगे बाद में भी खुद कर लेंगे। अभी सबको आपस में कैसे खुद को कैसे करना है वो भी हम सिखा देंगे। अभी बैठे बैठे प्यार आ गया भरोसा खड़े होके बैठिए खाली झगड़ा हो जाएगा आपका फिर आपका झगड़ा हो जाएगा। नहीं होता, बोला कि मेरा काम तो नहीं कर रहे मेरी सहेली का कर रहे उनका भी वो भी अच्छे होगा तो खुशी हुई थी। कैसा लगा खड़े होकर बैठे पास में थे ना उनको तो आशीर्वाद से अच्छा लग रहा होगा इतने लोगों को ला रहे तो बहुत ज्यादा है। अभी ये इतने दिनों में बहुत हो गया, एक ही पैर पे चल रही कितना दिन से उनको जमता भी है मेरे से अच्छा कर रहे हो उनको बहुत अच्छे से जम गया आपस में किया कैसा लग रहा। अभी मेरा इनको पूछिए आप कैसे लग रहा है प्रेशर बहुत है बढ़िया आवाज आई आवाज दे सूर्यवंशी से भी आगे है वो अभी ना भी आए ना जल्दी उठ लोग भी आए ना लीना को डरते हो लीना आई के लिए फट से उठ जाते हो अभी देखिए हमेशा ठीक ही बोल रही है आपके कान तरस गए होंगे ठीक है सुनने के अभी आप अपना हाथ उनको दीजिए करिए थोड़ा थोड़ा घुमाइए थोड़ा टेंशन घुमाइए। देखिए अगर अपन ठीक से नहीं बैठे हैं ना तो हम नहीं कर पाएंगे तो आपको थोड़ा इधर टर्न होके बैठना है। अभी इसको हाथ को ऐसे लेना है अब करिए यस यू नो इट नहीं अंगूठे को सामने से लो देखो ऐसे 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 लो नहीं बहुत है मम्मी को कितने साल से आप देख रहे हैं करना जरूर है जैसे बोल का स्पीड में लेकर आ गया तो स्पीड कम करके निकालना है ना फेशियल एक्सप्रेशन से आपको रोड में खड्डा आ गया स्पीड लेकर आ गया सब लोगों को बताते बहुत नहीं हो रहा है उतना हो रहा है ना तो उनको आप बताते जाइए कि बढ़ाओ कम करो। अभी आपको हम सेपरेट सूट देते हैं क्योंकि महिलाओं को करना सूट हनीमून सूट आई है सर 5-10 मिनट करिए दो दो उंगली पे करिए फिर इनको पूछिए। अच्छा आइए
क्योंकि इनके भी कुछ समस्या है, बाकी लोगों की वो भी कर देते हैं। आई आपको बोलो दोनों को। हाँ दोनों दोनों को सब प्रेशर पड़ता है देते हैं। सिंपल है वो, थोड़ा सा करने लगा नहीं अच्छा है ना। ऐसा डल थी मैं सुबह आई थी तब। हाँ। अच्छा लग रहा है, उसे वेट भी कम होता बोलते, इसीलिए पूछती हूँ उनको वेट कितना। हाँ। शरीर पर फर्क पड़ता है। अच्छा सर, अभी सोलंकी जी अभी आप शिफ्ट हो जाइए, अभी इनको आइए आप आइए उधर बैठिए बस। अच्छा आई जाओ, नहीं नहीं आप यहाँ बैठिए, पैर इधर करिए। मैं हाँ अच्छा ऐसा करते करते तो इतना फैल गई अच्छा दुबली करके खाना बंद कर दो बोलना। नहीं नहीं खाने से कुछ नहीं होता। नहीं क्या इससे वेट भी कम होता है? थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व है तो वेट अपने आप ही लूज हो जाएगा। नहीं नहीं थैंक 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 सर। अभी नहीं अभी करो इंतजार। नहीं नहीं पहली बार चले जाते जाओ बढ़िया तैयार हो गए मैं यहां यहां बैठा रहता हूं। हां सवेरे रोज सवेरे 9 पे पाए। कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? थोड़ा आई नहीं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, डल जो फीलिंग था वो निकल गया था। तो आप तो डलनेस को छोड़ने नहीं चाहती सच्ची बात है। आपको थोड़ा सा दर्द हुआ आने के लिए ऐसे ऐसे ऐसा कैसे होगा? कांटा चुभा है आपको, अभी कांटे को क्या एप्लीकेशन भेजोगे क्या? प्लीज निकल जा, थोड़ा निकलेगा वो और अंदर घुसते जाएगा। ऐसा कर करके आपने बढ़ा लिया, ये आपका जो भीमकाय शरीर हुआ है ना इसको कम करने का वही तरीका है। ठीक है भीमकाय मतलब भीम भी थे ना पांडवों में, बाकी से कंपेयर नहीं करते ना। तो भीम से नकुल सहदेव बनना है आपको। ठीक है बन सकते ना। अभी समझ में आया ना कि फायदा होता है? होता है। चलो डबल करोगे पैर का? क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं ना अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका तो लाइफ का कुछ भी नहीं हुआ ना। कुछ भी नहीं, वही उनको बोल रही हूँ, बच्चे भी छोटे हैं। अरे बाप रे ये कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्का सा दर्द है, ये प्रेशर ज्यादा दे नहीं रहा। मैं नाजू वाली नहीं है, अरे आपकी माँ ने बहुत ज्यादा नाजों से पाला है। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह।
एक बार आपको मेरे से लेना पड़ेगा, इसके बाद आप मेंटेन कर सकते क्योंकि इतना दर्द तो कोई किसी से नहीं लेंगे आप, घर वालों से तो लेंगे नहीं, झगड़ा हो जाएगा कि ये जानबूझ के दबा रहा है। आपको मालूम है ना, आप उधर की डॉक्टर बन जाओ बस। नहीं मेरे भी घुटनों में दर्द है, तो खड़े रहना बंद नहीं करोगे तो रुकते तो झुके। अब काम तो करना पड़ेगा ना, इनको भूखे कैसा रखेंगे, खाना तो खिलाना पड़ेगा इनको, खाना बनाना सिखा दो। नहीं बनाते बोलेंगे मैं चला खा लूंगा कहीं, खाने की कमी नहीं है उनको, कहीं भी चलेगा मिल जाएगा मेरी परिदाई। तो आप भी चलना ना, आप भी साथ में जाना, आपको गाना भी दे देता हूँ, कौन सा गाना गाना है वो भी दे देता हूँ, सुनिए। दो दीवाने शहर में, आप या दो शहर में, आप दाना ढूंढते काशियाना ढूंढते, दो जलाने हाँ ठीक है, इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई घर होगा, मन से खुले ऐसा लग रहा है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा, आपका वजन है आपका शरीर का है ना, हल्की फुल्की लग रही है। देखो ये जो है ना, ये पहाड़ है समझ लीजिए, ये पहाड़ के तलहटी में जो है ऐसे बैठे-बैठे हम लोग भी करते हैं। इतना प्रेशर में आपके नाखून काटते हैं, नाखून लेवल पे हो ठीक है, जैसे अपने ही नाखून से आपको चोट लग जाएगी। हम लोग का इतना प्रेशर नहीं है जितना आपका है, थोड़ा ठीक है अपने से एक दूसरे का, हां हो जाता है ये इधर ना, ये थायराइड के लिए भी, सब चीज के लिए, आपके जितने समस्याएं ठीक हो जाएंगी इससे ठीक है। आपने कुछ भी नहीं किया दूसरा, टेंशन तो घुमाओ, बाकी कुछ नहीं किया दूसरा, बस उधर सेम ठीक है। नहीं हाथ को तो आपको समझना है, ये नाखून जितने बड़े हैं काट लो ठीक ठीक है, नाखून कोई श्रृंगार नहीं है, तो पॉइंट समझेंगे। पीठ है आपकी जबरदस्त दुखती है आपकी, आपकी पीठ है ना क्या खड़ी ज्यादा रहती है, तो बैठ के काम करो जितना कर सकते हो, किचन को जो है ना खड़ा तो है बहुत बड़ी सजा है, फिर भी आप कोशिश करो जितना काम आप बैठ के कर सकते हो। बैठने में भी क्या पालकी मार के बैठो, पैर लटका के नहीं, पैर लटका के बैठने से कुछ बीमारियां होती है, अभी तकलीफ जाएगी पर धीरे धीरे आदत डाल। ठीक हो जाएगा, इससे हो जाएगा ना, इधर घुटने का दर्द यहाँ है, क्या उम्र क्या है आपकी? 41 आई की आई। अभी बड़ी बेटी को तो मिले ही नहीं आप, उसका अचानक ही वेट बढ़ गया है, वो तो बहुत बड़ी, बहुत वेट बढ़ गया उसका, सीमा की सीमा टूट गई, भयानक में तो आई नहीं रही है। कैसा लग रहा है? नहीं सच में, चलो अभी आपके पार्टनर को चेक हो गया ना, अभी आप वहाँ बैठो, तो बस इसी में दर्द होता है और यहाँ ऐसे नॉर्मल नहीं होता मेरे, उधर बैठो, उधर पैर करो, उधर बैठो पैर दर्द करो, निपल पैर ये फैन से ये दुखने लगता है, वो आपके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो खुद के पेशाब की मालिश करना चालू करो, उससे आपको आराम मिलता है। पकड़ लो इधर, पकड़ो हाँ, अब हाथ पकड़ लो, सपोर्ट दो इनको, पाठिंबा ये इनको लगाऊंगा, मेरे को तो दर्द आएगा ही नहीं, बाकी लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं ऐसा लग रहा था ना, अब बोलो और नहीं बस और नहीं, दर्द के प्याले और नहीं। आज की मूवी अच्छी बनी है मेरे को लगता है, बहुत सारे गाने आ गए।